कासगंज में इंस्पेक्टर की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से हुई मौत। थाना परिसर में मौजूद इंस्पेक्टर के आवास में गोली लगने से हुई मौत। इंस्पेक्टर विवेक गुप्ता की पत्नी आरती गुप्ता की हुई मौत। सरकारी आवास में इंस्पेक्टर की पत्नी की मौत से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। सिकंदरपुर वैश्य में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात है इंस्पेक्टर विवेक गुप्ता। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी PBGTS मूर्ति, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर जांच में जुटी। थाना सिकंदरपुर वैश्य के इंस्पेक्टर के सरकारी आवास का है मामला। देखिए, आज लगभग 9:15 बजे एक सूचना मिली थी कि कासगंज जिले की जो थाना सिकंदरपुर वैश्य है उसके थानाध्यक्ष की पत्नी, थानाध्यक्ष विवेक कुमार गुप्ता, उनकी पत्नी जो है आरती उर्फ दीप्ति पोरवाल एक 315 बोर तमंचे से सुसाइड की है। तो सूचना मिलते ही मेरे द्वारा और बाकी अन्य अधिकारी द्वारा मौका मुआयना की गई है। उसके अलावा DIG रेंज श्री दीपक सर भी आए थे और मौका मुआयना किया है। SOP को फॉलो करते हुए ये डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, फोरेंसिक यूनिट, और इनकी शादी होके करीब 7 साल हुई है तो उसी के आधार पर SDM पटियाले को भी बुला के इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाया गया है। उसके अलावा क्योंकि एक अवैध तमंचा इनके घर पे मिली है और बाकी अन्य चीज़ों को देखते हुए SHO सिकंदरपुर वैश्य विवेक कुमार गुप्ता को तुरंत निलंबित किया गया है और बाकी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।